गाजा के राफा शहर में इजरायली सैनिकों के लिए हर कदम पर मौत घूम रही है। खंडर पड़ी इमारतों में हमास के लड़ाकों ने डेरा डाल रखा है और जैसे ही इजरायली सैनिक उनके आसपास भी भटकते हैं, हमास के ये लड़ाके उनके ऊपर घात लगाकर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। और यही वजह है कि रफा की जंग इजरायली फौज के लिए गले का एक ऐसा कांटा बन गई है जिसे निकाल पाना आईडीएफ के बस में नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राफा में आईडीएफ पर हो रहे उन भीषण हमलों की जिनमें इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत के दौरान आईडीएफ की पैरा ट्रूपर ब्रिगेड की 101वीं बटालियन का एक सैनिक मारा गया है। इसके अलावा एक अन्य सैनिक इसी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके साथ ही कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉप्स बटालियन 601 की आयरन ट्रेल ब्रिगेड के दो जवान भी दक्षिणी गाजा में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस हमले से पहले 29 मई 2024 को इजरायली मीडिया ने खबर दी थी कि आईडीएफ ने जबालिया से पैरा ट्रूपर ब्रिगेड को वापस बुला लिया है और ये फैसला जबालिया में चल रही भीषण जंग को देख कर लिया गया है, क्योंकि जबालिया में हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है या फिर घायल कर दिया है। यहां तक कि जबालिया में कुछ इजरायली सैनिकों का अपहरण तक हुआ है। आपको बता दें कि 30 मई 2024 को इजरायल की मल्टी डोमेन यूनिट का एक जवान उत्तरी गाजा में गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसी दौरान कई इजरायली सैनिक भी गाजा में अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं और 50वीं बटालियन की नाहल ब्रिगेड के तीन जवान राफा में मारे गए हैं। इन जवानों को हमास के लड़ाकों ने बूबी ट्रैप में फंसा दिया था और इसी धमाके में आईडीएफ का एक अधिकारी और दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ है।